राष्ट्रीय पुनर्निर्माण भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है और जन कल्याण के कामों में इतिहास रचा गया है। हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है, फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है। बहुत संतुलित सूची है और भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसले किए हैं। युवाओं को भी अवसर दिया गया है, समाज के हर वर्ग को, टैलेंट को, अलग अलग तरह का काम करने वाले लोगों को, बहनों को, सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। बहुत संतुलित और बहुत योग्य टीम का चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया। सर, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टिकी। हाँ, उनको भी बहुत बधाई। बहुत सोच समझ के पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। सर, आपका एक बयान खूब चर्चाओं में रहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आप दिल्ली ने बुलाया। मैंने कभी नहीं कहा। अरे देखो, उसको आप अनर्गल तरीके से चीजों को मत लो। मैंने हमेशा ये कहा था कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जो काम देगी पार्टी, मेरे लिए कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है, उस काम को मैं पूरा करूंगा। शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार आपको सर फिर टिकट मिली है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ। श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई, उन्होंने विदिशा की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है। देखिए, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन है। मैं तो माँ कहता हूँ, क्योंकि पार्टी के माध्यम से ही हम अपनी जनता और अपने देश की सेवा कर पा रहे हैं। और ऐसे समय जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में अद्भुत और अभूतपूर्व विकास देश का हुआ है, जन कल्याण के कामों का एक नया इतिहास रचा गया है और अब तो संकल्प है विकसित भारत, और मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। उस संकल्प की पूर्ति के छोटे से माध्यम गिलहरी की तरह हम भी बनेंगे, इसका आनंद है। मुझे तो पार्टी जो भी काम सौंपेगी उसको पूरी प्रामाणिकता, पूरी निष्ठा और अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता लगा के काम करना है। मानव जीवन अपना सफल और सार्थक बने, देश की सेवा करके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, बस यही अभिलाषा है। तो मतलब अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो रहा है क्या? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट बीजेपी जीतेगी और अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार।